हेलो स्टूडेंट, तो हिंदी फर्स्ट में हमारे पांच पार्ट कंप्लीट हो गए। पांचवा पार्ट था अनोखी सूझ। आज हम देख रहे हैं पार्ट छः, जिसका नाम है स्वस्थ तन सुखी जीवन। मतलब अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, हम बीमारियों से दूर हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, तो हमारा जीवन कैसा है? सुखी है हमारा जीवन। और वहीं अगर आप शरीर से स्वस्थ नहीं हैं तो जीवन में बहुत सारी परेशानी होता है, क्योंकि अगर आप खुद ही स्वस्थ नहीं होंगे तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए कहा गया है कि स्वस्थ तन सुखी जीवन। अगर शरीर स्वस्थ है तो जीवन आपका खुशियों से भरा हुआ है। तो इसके शब्दार्थ मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, देखिए जो कठिन शब्दार्थ है वो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। पुकारना, पुकारना मतलब बुलाना, गेम खेल, बोहे तन जाना गुस्सा आना, शाबाशी बधाई, तंदुरुस्त स्वस्थ, तरोताजा ताजगी से भरा, फटकना आना, तबीयत स्वास्थ्य, चिड़चिड़े झुंझलाए। आगे देखिए मैल, मैल मतलब गंदगी, अमल काम, और विटामिन पोषक तत्व। तो ये आपके इस पाठ के शब्दार्थ हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। तो अब हम शुरू करते हैं पाठ। तो आ जाइए आप बुक में पेज नंबर 115 पे। मैं चैप्टर ये पूरा पाठ पढ़ाऊंगी, आपको हमेशा की तरह ही करना है। एक लगा के उस पैराग्राफ का स्टार्टिंग वर्ड, डैश 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 लास्ट वर्ड, और उसमें जो गद्यांश के चार या पांच जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न, प्रश्न के साथ ही उसका उत्तर, एक लगा के उसके नीचे उसका उत्तर, सेकंड लिख के उसका नीचे उसका उत्तर, तो प्रश्न और उसके नीचे उसके उत्तर। तो आपके जितने भी पैराग्राफ हैं आप उसके उत्तर भी लिखते जाएंगे, ठीक है? पहले आप ये शब्दार्थ कर लेना, फिर गद्यांश वाइज प्रश्नोत्तर हो जाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करनी है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। शाम हो गई, दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से, दादाजी के साथ बैठो तो दो बात काम की सीखोगे, तोशी बिट्टू हनी, तीनों चलो बाहर। तो शाम हो गई थी, दादाजी मुड्डे पर बैठे थे, जैसे गांव में होता है ना वो पलंग के जैसा होता है जो डोरियों से बना होता है, उसको मुड्डा कहते हैं। तो दादाजी उसके ऊपर बैठे हुए बच्चों को आवाज़ दे रहे थे, और बच्चे क्या कर रहे थे, आप लोगों की तरह मोबाइल चला रहे थे, सुनना ही नहीं है, बड़े आवाज़ दे रहे हैं तो दे रहे हैं, हम तो मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। वही हालत इन बच्चों की थी। तो उनकी मम्मी, जिनका नाम क्या है, सुषमा, ठीक है, तो वहाँ पर सुषमा जो थी वो उनको जाकर कहती है कि क्या मिल जाएगा इन खेल, ऐसे खेल से, दादाजी के साथ बैठोगे तो दो काम की बातें सीखोगे तुम, मतलब उनके अनुभव वाली बातें वो सुनेंगे तो उनके जीवन में बहुत काम में आएगी। तो वो तीनों को बोलती है कि बाहर चलो, तोशी बिट्टू और हनी, उन तीनों को बोलती है कि बाहर चलो, ठीक है। तो उनकी मम्मी उनको बाहर जाने के लिए बोलती है। हाँ मम्मी आप सही कह रही हो, दादाजी की हर बात पते की है, कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी, तोशी ने कहा, और फिर उसके साथ दोनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अनु भी पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पांव भी गंदे थे, उनको देखते ही दादाजी की भूहें एनक के फेरे से भी बाहर तक तन गई। तो फिर तोशी क्या कहता है कि मम्मी आप सही कह रही हो, दादाजी की तो हर बात पते की होती है, मतलब बहुत काम की होती है, वो जो भी बात बताते हैं वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है, कल उन्होंने जो कहानियाँ सुनाई थी और उसमें कितनी अच्छी बातें समझाई थी उन्होंने। फिर वो सब दादाजी के पास आकर बैठ जाते हैं। जब वो दादाजी के पास बैठते हैं तो उनके किराएदार के दो बच्चे होते हैं, अनु और खुशी, वो भी उन बच्चों के पास आकर बैठते हैं, लेकिन अनु और खुशी के हाथ क्या होते हैं, साफ़ नहीं होते हैं, हाथ और पैर उनके दोनों क्या होते हैं, गंदे होते हैं।
तो ये देखकर दादाजी जो होते हैं ऐसे चश्मा नीचे करके देखते हैं ना, तो उनकी भौहें क्या होती है ऐनक से बाहर तक, मतलब वो आंखें बड़ी करके देखते हैं उनको। ठीक है, आगे देखिए। वे कहने लगे, और फिर दादाजी क्या कहते हैं, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। बच्चों ने खुशी और अनु की ओर देखा, तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताजा उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं, आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता। तो दादाजी कहते हैं कि गंदगी रखना बहुत बुरी बात होती है, और सबसे अच्छी बात क्या होती है, साफ सफाई रखना। अगर गंदगी होगी तो क्या होगी, बीमारियां फैलेगी, और अगर हम साफ सफाई रखेंगे तो क्या होगा, हम उन बीमारियों से दूर रहेंगे, सफाई हमें बचाएगी। तो सारे बच्चों ने खुशी और अनु की तरफ देखा, वो समझ गए थे दादाजी कि वो किसके लिए कह रहे हैं। इतने में खुशी और अनु क्या हाथ और पैर धोकर आकर बैठ गए थे। तो जब वो साफ करके आए अपने हाथों पैरों को, तो दादाजी ने उन्हें शाबाशी दी और कहा कि साफ और स्वच्छ रहना चाहिए, हमें गंदगी में नहीं रहना चाहिए, गंदा नहीं रहना चाहिए, हमें साफ रहना चाहिए। अगर हम साफ सुथरे रहेंगे तो हमारी तबीयत अच्छी होगी, और तबीयत अच्छी है तो उसके लिए हमें सिर्फ साफ सुथरा रहने से कुछ नहीं होगा, हमें हमारे आसपास का जो भी वातावरण है उसको भी क्या करना है, साफ सुथरा रखना है। आप लोग जैसे कचरा डाल देते हो घर के बाहर, तो गंदगी आपके घर के बाहर है तो वो वातावरण में भी उसके बैक्टीरिया रहेंगे, उनके कीटाणु रहेंगे, तो वो आपको बीमार कैसे भी कर सकते हैं। तो सिर्फ हमें साफ सुथरा नहीं रहना है, हमारे आसपास का जो वातावरण है उसे भी साफ सुथरा रखना है, और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमें सब कुछ अच्छा लगेगा, अच्छी अच्छी बातें करना, हंसना, और फिर रात को नींद अच्छी आएगी, सुबह भी हम बिल्कुल फ्रेश उठेंगे, एकदम तरोताज़ा उठेंगे, हर काम क्या होगा जल्दी जल्दी करेंगे, स्फूर्ति रहेगी हमारी बॉडी में, और जो आलस्य है वो हमारे आसपास ही नहीं रहता है। अभी तो सबके अंदर आलस्य भरा पड़ा रहता है, सुबह स्कूल आते हैं तो भी नींद आने लग जाती है, उठते ही उबासियाँ लेना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए तबीयत अच्छी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपसे दूर रहेगी। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है। भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है, मगर यदि हमारी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना भूख लगती है, ना नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासियाँ आती रहती हैं। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है, पसीने में धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है, इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। तो बिट्टू बीच में ही कहता है कि हाँ दादाजी, आप बात तो सही कह रहे हो, अगर हम अच्छे से स्वस्थ होते हैं, हमारा शरीर अच्छा होता है, तब हम क्या करते हैं, खाना भी अच्छा लगता है हमें। तो दादाजी कहते हैं, बहुत सही कहा है तुमने, अगर हम स्वस्थ होंगे तो खाना भी अच्छे से पचेगा, भूख भी अच्छी लगती है, और हमारी तबीयत अगर ठीक नहीं है तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप देख लो, अगर आप बीमार हो जाते हो तो कुछ भी खाने का मन नहीं करता है,
कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, और अगर आप स्वस्थ हो तो हर चीज़ खाने का मन करता है ना। तो अगर आप बीमार हो गए तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, ना भूख लगती है, ना नींद आती है, और स्वभाव कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा। अगर कोई भी आपको, अगर आपसे कोई भी बात करता है ना, तो फिर आप उसको झिड़कने लग जाते हो, है ना, झुंझला जाते हो उसके ऊपर, और फिर हमेशा उदासी रहती है, उबासी आती रहती है, मूड जो होता है वो सैड हो जाता है, दुखी दुखी सा हो जाता है। दादाजी आगे कहते हैं कि काम की बात यह है कि सबसे पहले हमें अपने शरीर को साफ रखना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर हम भाग दौड़ करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो क्या होता है, हमारा पसीना आता है, और पसीना आता है तो एटमॉस्फेयर में जो धूल गंदगी होती है वातावरण में, वो हमारे पसीने के साथ चिपक कर हमारे शरीर पर जम जाती है, ठीक है। और जब वो जमती है तो हमारे जो पसीने के हमारी त्वचा पर जो रोम छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं, वो क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। गंदगी ऊपर जमेगी तो वो छिद्र जो होंगे उस गंदगी के अंदर छिप जाएंगे, तो वो बंद हो जाएंगे। आगे देखिए, उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है ना, हनी बोला। हाँ बेटे, इसलिए हम रोजाना नहाएं, हमें शरीर पर मेल नहीं जमने देना चाहिए। मेल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए, और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करने चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटें, सोच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए, गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। जहाँ तक हो हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो इतने में हनी क्या कहता है, छी छी दादाजी, जब पसीना आता है तो बदबू भी बहुत आती है। तो दादाजी कहते हैं, हाँ बेटा, इसीलिए हमें रोज़ नहाना चाहिए, हमारे शरीर पे गंदगी नहीं जमने देनी चाहिए, और अगर जम जाती है, बाई चांस ज़्यादा काम करते हैं और गंदगी आ गई है, तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ के उसे उतारना चाहिए, और सुबह और शाम 2 बार दिन में ब्रश करना चाहिए, और हफ्ते में 2 बार नाखून काटने चाहिए। और जब भी आप सोच करके आते हो, फ्रेश होके आते हो, तब क्या करना चाहिए, हाथ साबुन से धोने चाहिए। तो सारे बच्चे हामी भरते हैं दादाजी की इन बातों में। फिर दादाजी आगे कहते हैं कि शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रोज़ नहा रहे हो लेकिन कपड़े आपने गंदे पहन लिए वापस, ऐसा नहीं। शरीर भी साफ रखना और साथ में जो कपड़े पहन रहे हैं वो भी साफ होने चाहिए, क्योंकि गंदे कपड़ों में क्या होते हैं, कीटाणु होते हैं, और उनसे हम बीमार पड़ सकते हैं। तो इसीलिए जहाँ तक पॉसिबल हो बिना धुले कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे।